करी है मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी हो रखा है फीवर, कल रात से फीवर हो रखा है। आज मैं ऑफिस गया नहीं हूँ, मैंने छुट्टी करी हुई है। और जैसे आप सबने वीडियो में देखा कि यार मैं अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले घूमने गया था, तो मुझे काफ़ी तगड़ा सनबर्न हो गया। आप देख रहे हो ना ये सब, ये निशान, ये तो काफ़ी स्किन मेरी जल गई धूप से, और उसी की वजह से मुझे काफ़ी फीवर भी हो गया। तो आज मैं ऑफिस नहीं गया, तो अभी उठाऊँ घर पे हूँ। थोड़ी ठंड लग रही है मुझे, ठंड से बुखार हो रहा है। बाकी सब ठीक है, नाश्ता करते हैं, कुछ बनाता हूँ। पहले चाय वाय बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ, उसके बाद फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ मेरा सनबर्न कितना हुआ है। गाइस देख रहे हो आप, ये पूरा पूरा हाथ जल गया यहाँ तक, ये वाला पूरा रेड है, ये चीज़ पूरी जल गई है, ये चीज़ नोज, तो पूरा तगड़ा वाला सनबर्न हो गया यार। बीच पे गए थे, एंजॉय तो करा, बट कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं कर रखा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। बट आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, जो भी बीच पे जाओ, कहीं भी जाओ, बीच पे जा रहे हो तो यार सनस्क्रीन लगाना ज़रूर लगाना मत भूलना, ज़रूर कैरी करना सनस्क्रीन अपने साथ, और जब भी टाइम मिले तो दूसरी बार भी लगा लेना बीच में, यार काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता है। हमने गलती ये करी कि सनस्क्रीन मैंने रखी नहीं, निकाल के रखी, पर मैं कैरी करना भूल गया और आसपास मैं जा नहीं पाया लेने, तो मैंने रिस्क ले लिया, और उस रिस्क का ये हाल हुआ कि पूरा जल गया मेरा फेस वगैरह। तो जब आप लोगों में से कोई भी जाएगा यार, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कैरी करना, सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाना बीच पे, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही बोलना था, बाकी अभी बनाता हूँ कॉफ़ी और फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग तो नहीं है अभी, गुड आफ्टरनून है, सॉरी। मैं अभी सो के उठाऊँ तो थोड़ी देर पहले फिर से तो अभी दोपहर के बज गए हैं 3:30, और हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से बाहर। वैसे मुझे फीवर है, एज यू नो मैंने सुबह बताया था, बट तबीयत ख़राब है, बट थोड़ा काम भी ज़रूरी है। अभी धूप नहीं है, बाहर तो निकल सकते हैं, तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान ख़रीदना है घर के लिए, और वहाँ चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा है यहाँ पर। मेरा पूरा फेस काला हो गया है, काला क्या, रेड हो गया है, पूरा सनबर्न हो गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से कैसा व्यू है। कैसा व्यू है अभी यहाँ पर, धूप नहीं है इसीलिए मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम है तो करके फटाफट आ जाए, क्योंकि मेरे को फीवर है तो बाहर मैं जा नहीं पाऊँगा उसके बाद। तो मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। Thank you.
तो गाइस अभी हम लोग आए थे गवर्नमेंट ऑफिस, जिसे कहते हैं यहाँ पर CXO। यहाँ टैक्स का कुछ इशू था, टैक्स ज़्यादा आ रहा है बार बार छोटू भैया का, तो हम लोग को पता करने आए थे कि क्यों ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो वही थोड़ी सी छोटी सी क्लिप है जो आपने देखी है अभी। टैक्स ऑफिस का काम हमारा हो गया पूरा, अब हम निकलते हैं थोड़ा सा सामान खरीदना, उसके बाद चलेंगे घर। लेट्स गो। तो अभी रास्ते में ही है, मैं साइकिल पे हूँ और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर। बट रास्ते में बहुत अच्छा सा व्यू दिखा तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पूरा एक पार्क है हमारे घर से कुछ ही दूर, 2 मिनट की दूरी पे, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कोई पार्क भी है। तो ये पार्क है और इस सामने जा रहे हैं छोटू भैया अपनी साइकिल पे, मैं उनके पीछे पीछे हूँ, वो भी ब्लॉग कर रहे हैं। छोटू भैया का भी चैनल है, बहुत अच्छा सा पार्क है, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। कितना ग्रीनरी का कितना ख्याल रखा है इन लोगों ने अपने देश का यार, हमें भी इतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गार्डन में जगह नहीं है कि आप कुछ और फालतू की चीज़ें लगाएं, क्योंकि पेड़ ही इतने हैं इस गार्डन में और लोग यहाँ वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेश एयर मिलती है यार, हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फाइनली वी मेड इट, हम लोग पहुँच गए हैं मॉल में। देखते हैं छोटू भैया को क्या सामान लेना है, कुछ पसंद आया तो मैं भी लूँगा टी शर्ट वगैरह, अच्छा लगेगा। हमेशा सोचता था कि मैं विदेश जाऊंगा, जॉब करूंगा, बट मेरे पीछे कोई सोर्स था नहीं। मेरे भैया भी यहाँ पर हैं बट मेरे पीछे वो थे, बट इससे पहले उनके पीछे भी कोई सोर्स नहीं था। उनकी भी यही सोच थी कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है जॉब करने के लिए किसी कंट्री में, बट उनने सपने देखे बिना किसी सोर्स के, बिना किसी, कहते ना कि सेटिंग के, वो जापान पहुँचे और उन्हें यहाँ पर 13 साल हो गए। और मैं भी अचानक से, बस मैं सपने देख रहा था, मेरा वीज़ा का प्रोसेस रुका हुआ था ऑलमोस्ट, मैंने होप छोड़ दी थी, बट मेरा वीज़ा आ गया। तो मैंने तभी कहा कीप ड्रीमिंग, ड्रीम्स बहुत ज़रूरी है, देखना वो पूरे ना हो
हो ना हो डिपेंड करता है टाइम पर, बट आप सपने देखते रहो यार, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई भगवान तक पहुंचती है और आपके सपने पूरे होते हैं यार। टी शर्ट्स वगैरह मुझे देखनी, मैं देखता हूँ टी शर्ट वगैरह। छोटू भैया मिस हो चुके हैं यार। कीप ड्रीमिंग यार, क्योंकि ड्रीम देखोगे ज़रूर सपने, देर होगी सवेर होगी सपने ज़रूर पूरे होते हैं। हो सकता है लोग आपके आगे पीछे आपके ऊपर हंसे, क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी लोग हंसे मेरे पीछे जब मेरा वीज़ा का प्रोसेस नहीं हुआ था, बट उनको आप इग्नोर मारते हुए मेहनत करते रहो यार। मेहनत करो और जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते रहो और कोशिश करते रहो यार। डेफिनेटली देर होगा सवेर होगा, पर आपका सपना पूरा ज़रूर होगा, फॉर श्योर, इसकी गारंटी है। पर उसको कभी छोड़ो मत कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है यार, मैंने ट्राई कर लिया, मेरा 3 बार वीज़ा नहीं लगा, 2-3 बार, बट मेरा मैंने सोचा कि चल जाना है जाना है तो जाना है तो जाना है यार, और फाइनली अगली बार मेरा वीज़ा लग गया और मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को 1.5 साल होने वाला है। तो सपने देखते रहो यार, ट्राई करते रहो, ज़रूर होगी चीज़ें। छोटू भैया देख रहे हो अपने 8 प्लस के लिए कवर, छोटू भैया ने नया फ़ोन लिया 8 प्लस और उसके लिए ढूंढ रहे हैं कवर, और यहाँ पर कवर है नहीं। स्क्रीन गार्ड वगैरह दिख रहे हैं मुझे, और ये बहुत बड़ा है यार, बहुत अमेजिंग जगह है सीरियसली। ऊपर कौन सा सेक्शन है ये? वो एनिमल का, जानवरों का। ये सब है, ये सबको तो नहीं चाहिए। तो गाइस फाइनली हमने लिया कुछ नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिला नहीं, तो अब जा रहे हैं हम लोग दूसरी जगह देखने, जो सामान लेना है दूसरी जगह देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, उसके बाद जाएंगे घर। और मेरे शक्ल कितनी लाल हो रखी है और काली दोनों मिक्स, रेड एंड ब्लैक हो रखा है मैं भी। छोटू भी अभी अपना ब्लॉग कर रहे हैं, बाकी चलते हैं अब निकलते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग। पर ये जगह बहुत अमेजिंग है, ये अदाची कोशिकाहामा में है शॉपिंग सेंटर, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको मिल जाएगी, हर चीज़, तो विज़िट कर सकते हैं जो लोग आसपास रहते हैं। और गाइस देखो जापान की गलियाँ, हम जापान की गलियों में ऐसे घूमते थे, दिल्ली की गलियों में घूमते थे, मज़ा आता है यार। साइकिल पर साइकिल चलानी चाहिए, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेके बाहर निकल रहे हैं, अब दूर जाना है लोकल में साइकिल यूज़ करो। इन लोगों के पास फरारी ऑडी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ सब कुछ हैं, दो दो तीन तीन गाड़ियाँ इन लोगों के पास, पर ये लोग लोकल में साइकिल चलाते हैं, चाहे 1 करोड़ कमा रहा हो चाहे वो कुछ हज़ार कमा रहा हो, सब साइकिल्स पे जाके विज़िट करते हैं। बहुत अच्छा है साइकिल चलाना, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैं यहाँ साइकिल चलाता हूँ और मैंने ये सोचा है मैं इंडिया जाऊँगा तो वहाँ पर भी साइकिल लोकल में साइकिल लूँगा, साइकिल से विज़िट करूँगा हर जगह आसपास। अच्छा है यार, शरीर फिट रहता है और क्या चाहिए। तो गाइस फाइनली हम लौट आए घर पे, सामान हमें कुछ मिला नहीं जो भी चाहिए था, और अब चेक करेंगे ऑनलाइन। थोड़ा सा पीते पानी, गर्मी बहुत है भाई बाहर। 21 में यहाँ रख देता हूँ।
घर पे आ गए हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, रात के बज गए हैं 10:30, सॉरी 10:15, और मैं हमेशा की तरह अभी निकला हूँ क्योंकि आज पूरे दिन मैं फीवर में था, थोड़ा बाहर गया, ज़रूरी काम था, जाना था। अब जा रहा हूँ मैं साईतामा अपने घर जहाँ मेरा अपार्ट है, वहाँ जा रहा हूँ। छोटू भैया आए मेरे साथ मुझे ड्रॉप करने, और कितने बजे की है देखते हैं। छोटू भैया आए अभी और हम देख रहे हैं बस का टाइम, मेरी बस कितने बजे की है। बाकी ये वाली है, कोई सारी जाएंगी है। ये वाली है, ये वाली है, पता नहीं है तो मुझे सारी जाती है। हाँ 14 पे आने वाली है। बस लेते हैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। गाइस फाइनली पहुंच गया मैं स्टेशन पे, पीछे स्टेशन है और अभी भी मेरा थोड़ा सा निशान है। मुझे यहाँ से लेनी है बस और वहाँ से सॉरी ट्रेन, फिर वहाँ से एक और ट्रेन लूँगा, उसके बाद फिर मैं पहुँचूँगा 12 बजे वहाँ पर, फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग।